मैंने प्याजों को बघार दे रही हूँ, इधर लहसुन कूट रही हूँ और फिर इसको इसकी अच्छी तरह और अदरक को मैं पीस रही हूँ। ये वो उसे क्या कहते हैं पंजाबी में तो डोरी कहते हैं और उर्दू में लंगड़ी भी कहते हैं हिंदी जुबान में। आज मैं अलग करूँ की दाल और मेरी गोश्त नहीं बनाने दिया, उसने कहा बाजी आज यही बनाओ, मैंने गोश्त नहीं खाना, डाइटिंग पे आ जाती मोटी ना हो जाए। बताना है ये नाक पालक सही बननी है कि नहीं। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, इसमें ना मसालों में मैं अब हल्दी धनिया पाउडर और मोटी कुटी मिर्च जिसे गड़ा मिर्च कहते हैं वो डालूँगी। ये वन टमाटर, एक टमाटर काट के ना इसको प्याज में साफ ही करी, इसमें घी में फ्राई करी है फिर जल्दी इसमें ना गल जाएगा और मसला जाएगा यानी कि मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। इसमें अब हल्दी पाउडर डालने लगी हूँ, ये है धनिया पाउडर, ये मेरा लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है मसालों का, पहले ज़माने में जो माएँ वगैरह बूढ़ी माएँ थी गुजर चुकी हैं वो इस तरह बॉक्स बनाती थी और अब इसमें मैं नमक ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, नमक पहले दाल को गलाते हुए भी डाला है तो अब इसको हिला लेंगे, या घी में थोड़ा सा मिर्च फ्राई हो जाएगी उसका कच्चा पान दूर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्च डालूँगी, ये पालक दाल में अच्छी लगती है, ये है दड़ा मिर्च, इसमें ये एक चम्मच दड़ा मिर्च का ये। राइट्स, ये अब इसका पानी का छत्ता मारा मैंने ताकि प्याज वगैरह थोड़े से गल जाए। पहले मैं दाल डाल के इसकी भुनाई करूंगी और फिर एंड में पालक डालूंगी, जरा सा पीस लूंगी थोड़ा सा ताकि एक जैसी हो जाए। ये थोड़ा पानी डाला है ताकि प्याज अच्छी तरह गल जाए और फिर ये वैसे तो मैंने गला के फ्रीज की हुई थी, ज़रा थोड़ा इसको मिक्स करने लगी उसके ना वो जो दाने से हैं पालक है गंदल सी जिसे बोलते हैं साग की तरह वो ज़रा गंदल वो एक जान हो गई एक, एक, एक इसको मैं इसमें डालने लगी। दो मीटर में देखे घी बनाई जब हो गए तो घी ऊपर आ जाता है तो अच्छी तरह इसका देख ले। अब इसने कलर भी छोड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी देर डाल देते हैं क्योंकि अगर दाल और दाल में मिर्च ना हो और चुकी चुकी मजे की हो अपने आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मुझे ज़रा कम लगी है तो मैं खाने तो बनाई हुई इसको ज़रा 10 मिनट तक ना अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका दाल का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसकी जो कच्चेपन वाली खुशबू कह रहे वो दूर हो जाए। दाल ऐसे कमी में डाले तो अच्छी कच्ची ना लगे, भूनेंगे तो कम और ये जब भूनी जाएगी घी के ऊपर आ जाएगा दाल घी से रेड हो जाएगी तो उस वक्त समझने के लिए दाल भुनी गई है। फिर इसमें हम लोगों ने पालक डाल और फिर एंड में थोड़ा सा दूध डालेंगे जो पालक की तलती होती है वो दूध डालने से कम हो जाती है। आपको जो है ना मोटे वाला गरम मसाला वो डाल दूँ, अब फिर इसमें हिला के तो फिर पालक इसमें डाल दूँ। उसको बन चलिए पकाई है, ये मेरी बहन आई हुई है तो इसमें गोश्त नहीं खाती, मेरा तो इरादा था बिरयानी बनाने का लेकिन ये गोश्त वो नहीं है तो फिर मैंने कहा चलो पालक और दाल बना ले खा ले और कुछ सुकून लेके जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत
टीचर हूँ, हेडमिस्ट्रेस हूँ, तो फिर मैं लेट जाती हूँ अक्सर, तो मेरा और मेरा स्टाफ ब्रेक में हम लोग फिर खाना चाहते हैं, खाना लेंगे और होटल से कितने मंगवा लें और फिर सब टीचर्स के साथ मिल के हम लोग खा लें। कपाल में बरकत हो। अब ना दाल तैयार होगी तो इसमें ये मैंने जो पालक को थोड़ा सा कूटा था ताकि इसकी जो वो डंडल टाइप है पालक की वो मैं काट के फेंकती नहीं हूँ, उन डंडल को भी मैं काट देती हूँ साथ ही, फिर इसको गला के रख लिया था मैंने, इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो फौरन निकाली और पका ली। अब पालक डाल के तो फिर इसको थोड़ी सी धुलाई करके तो फिर इसको उतार देंगे, ठीक है जी। पानी ठीक है ना बढ़ा रहे, अब इसका मतलब है पालक भी भुनी गई है, दाल तो पहले ही हम लोगों ने अच्छी तरह भून ली थी, बेहतरीन पालक और दाल का सालन। सब्जी की दाल में बड़ी मज़े लगती है, बनती है गोश्त में भी बनती है, दाल में भी इसका अच्छा टेस्ट होता है। जब गर्मी आएंगी और सूखा मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं वो भी पका के आपको दिखाऊंगी, तैयार करने का तरीका बताऊंगी। चूल्हा बंद करने लगे तो फिर हमारा तैयार हो चुका सामने, और इसमें देखिए घी इस किनारों से देखिए घी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब देखिए पानी बिल्कुल खुशक हो गया। चलेंगे अब हमारा खाने के लिए तैयार है।